नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। आज हमारे धुन म्यूजिक के इस इंटरव्यू सेक्शन में हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन कम एज के सिंगर रॉकी यादव है। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवाते हैं। नाम क्या है, नाम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। हेलो नमस्कार प्रणाम, अपना नाम बता दें। अभी मेरा नाम रॉकी यादव। अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा? आज मेरा घर हुआ गया जिला। गया जिला। तो गया जिला से पटना का सफर कैसे तय किए? घर तो हुआ तुम्हारा गया, लेकिन पटना में कैसे आ गए? मतलब हमको भी सिंगिंग करना था, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, पटना में शिफ्ट हो गए। अच्छा, मतलब गया से यहाँ पे गाने के लिए शिफ्ट आ गए। हाँ, यानी कि फैमिली के सपोर्ट है। हाँ, फैमिली के। सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है फैमिली में? हम सब लोग। सब लोग। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की हो? अभी तो हम मतलब हम 10th तक पूरा फाइनल कर दिए। अच्छा, 10th पढ़ाई कंप्लीट करके अब इसमें सिंगिंग में उतरना। अच्छा, मतलब पहली बार लाइफ में कब गाना गाए थे? मतलब कब ऐसा तुमको लगा कि नहीं हम गाना गा रहे हैं, हमको गायक बनना है, या किसी को देख के? मतलब कैसे तुम्हारे अंदर से भावना कैसे है, मन में कैसे ये बात आया? देखिए, किसी को देख के नहीं है, ठीक है? अच्छा, एकदम अंतरात्मा से आवाज आया अंदर, गाना चाहिए। आज के बाद हम ना अब नहीं पढ़ाई करेंगे, हमको गाना चाहिए, बस हमको खाली गाना गाना है। मतलब तुमको पहला बार ये कब लगा था, कौन क्लास में थे तब? ये लगता है कि तुम मतलब हम बहुत छोटा था, मतलब वही लगता है कि हो गए भैया, हम लोग तो 5th क्लास में, मैंने 5वां क्लास में था तब से मैंने भूत चढ़ गया था। भूत चढ़ गया था, तो फिर हमको लगता था कि ना हमको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, लगता था घर से कुटाया कि नहीं, घर वाला मारा कि नहीं? क्योंकि तू बालो 5वां क्लास का लेकर कहे हमको नहीं पढ़ना है, तो घर वाला पापा मम्मी ने बोला रे पगला मारता होगा, तो क्या बोले घर वाले? देखिए, घर वाला मतलब हमको बहुत ऐसा कुछ किया, मतलब तो फिर हम उतना नहीं लिख दिल रहा, हमको जो करना है नहीं, नहीं बताओ। क्योंकि अब मान लो 5 क्लास का लड़का है, कोई बोलेगा कि हमको गाना गाना है पापा, अब हम नहीं पढ़ेंगे, मम्मी हमको नहीं पढ़ेंगे, हमको गाना गाना, तो घर वाला खींच आएगा ना? हम तो पिटाएं, बहुत पिटाएं घर से, मतलब ऐसे वैसे कि काहे ना पढ़े काहे, अरे पढ़ो, पढ़ने के लायक। हम बोलते ठीक है, जा रहे हैं क्लास, और लेकिन पढ़ाई नहीं होता था। हम वहाँ पर मतलब नहीं जाते थे जल्दी। अच्छा, मतलब इधर भाग जाते, स्कूल बंक मारता था, स्कूल में नहीं जाते थे जल्दी, मतलब इधर हटा जाता था। फिर तो फिर आया उधर से, चला पढ़े ही हूँ नहीं जाता है, तो फिर आया, मतलब मम्मी छोड़ दे पढ़ाई लिखा तो रसना। अच्छा, मैंने समझ गया सब लोग कि जबरदस्ती बैग बस्ता ढा के जाता है, उन्हें भाग जाता है। तो फिर तुमने कितने दिन के बाद घर वाला फिर बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर तुम गाना कब बोले? वो सब ऐसे बोलने लगे कि मतलब कुछ अपना जो कर लो, कि मतलब लगे कि हाँ पढ़ो लिखे लिए अच्छा खासा। हाँ भाई, गाना गाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो फिर बस के बाद तुम जो करना करो, कम से कम पढ़ लो, इसके बाद जाके गायक बन जाना, है ना। अच्छा, तो स्कूल में तो पूरा फेमस हो गया कि भाई रोकिया तो गाना गाता है, रोकिया तो गाना गाता है, तो गांव में तो थोड़ा सा सर्किल में भौकाल होगा दोस्त यार में। तो अभी भी पूरा भी है, मतलब लोग दोस्त लोग सपोर्ट करता होगा, मत करता है कि मतलब क्या हाल चाल बता, फोन नहीं करता, भूल गया क्या? हम क्या भूलेंगे तो कोई को भूल नहीं, सही बात है, काम आदमी व्यस्त हो जाता है तो भाई पीछे वाला अध्याय छूटते चला जाता है, बढ़ते जाता है। इसको भूलना नहीं बोलते, बोलते भाई समय में आदमी बिजी हो गया, अभी काम में बिजी हो गया। जब आदमी पूरा सक्सेस हो जाएगा तो फिर तो सब तो वही जाना बीच। अच्छा, तो तुम पहला गाना तुम कब गाए थे? तुमको जब गाना तुम गाए थे, तुम कौन सा गाना तुम्हारे जुबान पे रहता था? स्कूल में गाते थे या गुनगुनाते थे? छोटा जब हो गए कब गुनगुनाते थे जो तुमको गाना याद हमेशा रहता हो, दो लाइन चार लाइन? हमको गाना ये याद थे, कौन सा? उनाए सनम गम हदी हलुबारी रे, अरे जिए के न मन न करे, हो देख तोहरे मारे, अरे हम करे प्यार तोसे, तू तो सजा दिलू तोहर दिल हकी चार जोर कत ही लगा दिली। हम गाना चल गया था, दिल टूटल है क्या कि शर्ट से लगा था ऐसा थोड़ी है आज हम। अच्छा, प्यार मोहब्बत अभी सब चक्कर नहीं है, हम है ही नहीं, मतलब जो है संगीत से इसके प्यार है। अच्छा, अपना गाना कोई गाना गाओ जो तुम अपना गाया हुआ गाना हो और घर वाला सुना बोला वाह बहुत अच्छा गाना है, इस तरह से गाओ। अपना गाना कोई गाया हुआ जो तुम्हारा रिलीज हो चुका है, कोई भी ऐसा गीत जो तुम्हारा गीत हो। एक आज रिलीज हुआ है, आसो लगनिया में चली जाई मी पिया जी के घर आगे,
हम तरवतनु जइबे किए गे जानु जीते जी तू हमरा के मुआइनु देनी गे किए गे जानु जीते जी तू हमरा के मुआइनु देनी गे। ये तुम्हारा गीत है, ये रिलीज हुआ है कौन से चैनल पे रिलीज हुआ है? अभी रॉकी यादव ऑफिशियल पे, मतलब ये रॉकी यादव ऑफिशियल तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, इस पे तुम्हारे गाने रिलीज होते हैं। अच्छा, तो मतलब रॉकी यादव ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, इसका अपना ऑफिशियल चैनल है, आप लोग जो भी देख रहे हैं वहाँ पे जाए, इसके बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं, उस पे रिलीज भी हुआ है, आप लोग ढेर सारा प्यार दे। और ये बहुत अपना स्ट्रगल पीरियड में भी मेहनत कर रहा है, और आप जैसा सुने कि भाई दसवां पास करके बस इसमें लग गया है, अब इसको इसी में सफलता प्राप्त करना है, इसलिए मेहनत कर रहा है दिन दुगना। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा सा वो अपने लाइफ का मुकाम हासिल कर सके, जो ये घर से सपना देख आया है, और घर वाले का सपोर्ट है बहुत प्लस पॉइंट है इसके लिए। अच्छा, तो फिर लाइफ में कितना किस तरह का बनना चाहते हो? कोई तुम्हारा आइडियल होगा, कोई आदर्श होगा ना तुम्हारे लाइफ में कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, उससे अच्छा बनना है? सबका एक होता है टारगेट होता है, हम तो मतलब अब खेसारी लाल को टारगेट करना है। ये खेसारी लाल यादव को मतलब टारगेट बनाए हुए, मतलब उनके जैसा बनना है, उनके जैसा मतलब बनना है, मैंने आदर्श मानते हैं करना पूरा है, मतलब खेसारी लाल यादव जी को। भोजपुरी मुनि का गाना भी सुनते हो, दिल हा चार्जर का जो गाना गाया था उन्हीं के गाना है ना, तो जाते जाते ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे, पब्लिक लोग से क्या कहोगे? आप लोग से मतलब आप लोग मेरे को अपना प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखे, बस यही कहना, मतलब मेहनत कर रहा है, आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और सबसे खास बात आपको बता रहे हैं इस कलाकार के साथ, ये जब बोलता है तो इसका थोड़ा जुबान थोड़ा सा फंसता है, लेकिन गाता है तो बिल्कुल नहीं फंसता है, इसका कितना भी गाना आप सुनिएगा। हाँ, गाते समय वैसे नहीं, मतलब तो ये भगवान का मतलब जो कहा जाए ना वरदान है इसके ऊपर, क्योंकि मतलब गायकी इसका जो चीज है ये अलग है और बोलने का अलग है। ये जब बोलता है तो थोड़ा सा इसका जुबान लड़खड़ाता है, लेकिन जब गाता है तो प्रॉपर धुन में गाता है, लय में गाता है, सुर में गाता है, ताल में गाता है, मतलब अब ये देखिए भाई भगवान का है, ये कोई बता नहीं सकता कि कैसे गाता है, इसको भी पता नहीं कि हम बोलते हैं तो कैसे फंसते हैं और गाते समय नहीं फंसते हैं, तो इसके लिए प्लस पॉइंट है, और ये गायकी के लिए बना हुआ है, अपना मेहनत कर रहा है। तो चलिए ढेर सारा प्यार दीजिए, और धुन म्यूजिक को ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, अपने जीवन में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।